यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के सभी छात्र छात्राओं का मैं शैलेंद्र यादव आज के इस वीडियो में हार्दिक अभिवादन करते हुए आप सभी के सफलतम भविष्य की कामना करते हुए आज कक्षा 10 में चित्रकला में पूछे जाने वाले आलेखन को हम फिर से सृजित करके आपको बताएंगे। तो आइए आज हम वर्ग में मछली सहित कमल के पुष्प पर आधारित एक आलेखन जिसमें कमल के पुष्प कली पत्तियों का समायोजन होगा हम सृजित करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम मछली बनाते हैं। मछली बनाने के लिए इस प्रकार से सबसे पहले मुख की आकृति बना लेते हैं और मुख की आकृति बनाने के बाद इस तरह से हम घुमाते हैं जिससे मछली के शारीरिक सौष्ठव को आसानी के साथ इस प्रकार बना लेते हैं। मछली के मुख की आकृति में इस तरह से बनाते हुए हम मछली की आँख बना देते हैं। उसके बाद बीच में इस तरह से करके इसके ऊपरी सतह को त्वचा को बनाते हुए रेशेदार बना देते हैं और फिर इस तरह से मछली के पंख को बना देते हैं। ऐसा बनाने के बाद हम मछली के मुख से इस तरह से एक डंठल निकालते हैं और कमल पुष्प को यहाँ बना देते हैं। इस प्रकार कमल का पुष्प बनाएंगे। कमल का पुष्प बनाते समय इसके झुकाव और इसकी लयात्मकता पर विशेष ध्यान देना होता है। इस तरह से कमल का पुष्प बना करके मछली के मुंह से कमल की डंठल को जोड़ देना होता है। इस प्रकार कमल का पुष्प बन करके तैयार हो जाएगा। फिर यहाँ से हम इसी प्रकार खींचते हुए एक कली लयात्मक इस प्रकार बना लेंगे और यहाँ से ऐसे घुमाव देते हुए नीचे एक अलंकारी पत्ती इस प्रकार से बना देंगे। इस तरह से अलंकारी पत्ती बनाने के बाद इकाइयों से खाली स्थान को ऐसे भर देते हैं। इस प्रकार बना करके भर देंगे। फिर उसके बाद आगे की ओर झुकती हुई एक कली बना देंगे। ऐसे यहाँ से झुकती हुई दूसरी अलंकारिक कली इस प्रकार घुमाव दे करके बना लेते हैं और खाली स्थान को अलंकारिक इकाइयों द्वारा यूं भर देते हैं। फिर जो स्थान खाली होता है उसको कलियों से अथवा अलंकारिक इकाइयों से इस प्रकार भर देते हैं जिससे हमारा आलेखन भरा हुआ प्रतीत हो और सुंदर लगे। इस प्रकार से हम बहुत सहजता के साथ बहुत कम समय में आलेखन का रेखांकन कर सकते हैं और आलेखन का रेखांकन करने के बाद हम आपको इसी के बाद इस चित्र को रंगने की विधि बताएंगे। साथ ही रंगा हुआ फिगर इस प्रकार से जैसा कि आप देख रहे हैं आप देख करके इसे इन्हीं रंगों में छाया प्रकाश देते हुए रंग करके एक सुंदर आलेखन तैयार कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारा यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए विशेष उपयोगी होगा, काफ़ी मदद करेगा। तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। साथ ही यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।